सर एक और चीज़ मैं आपके साथ समझना चाहता हूँ, जैसे आपके हिसाब से गुलामी की मानसिकता क्या है? जैसे हम कई बार आपके मुझसे सुना भी है कि भारत असल में स्वतंत्र अभी तक नहीं हुआ, मतलब पॉलिटिकल तो मिल गई इंडिपेंडेंस, बट अभी क्या पूरा हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, तो वो गुलामी की मानसिकता को लेके कुछ बताएं प्लीज़। देखिए, मान लो कि बहुत से लोग अपनी पत्नी को दबा के रखते हैं, वो भी गुलामी है। तो एक होती है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक होते हैं लिबर्टी ऑफ इमोशंस, लिबर्टी ऑफ धर्म, राइट, स्पिरिचुअलिटी जिसको आप कहें, और एक है शरीर की स्वतंत्रता कि आप कहीं भी जा सकते हो, राइट, शारीरिक स्वतंत्रता। तो बेसिकली भारत को मैंने एक महात्मा गांधी जो है ना, सबसे पहली बार पलवल में अरेस्ट हुए थे तो 99 में उनको शायद 100 वर्ष या कुछ हुए थे, तो एक पार्क है वहाँ पर महात्मा गांधी के नाम से, तो वहाँ पर एक फंक्शन किया था। तो डीसी ने मेरे से कहा कि भाई आप जीवा वाले को एक बुद्धिमता से एक स्टॉल लगाइए। तो मैंने एक बैनर बना के लिखा था कि महात्मा गांधी ने भारत को शारीरिक स्वतंत्रता दी, जीवा मानसिक स्वतंत्रता देगा, मानसिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदम। तो जब हम बच्चों को स्कूल में लिबर्टी ऑफ थॉट देते हैं कि वो उस काम को इस तरीके से ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, वो गलत भी हो सकता है, वो ठीक भी हो सकता है, एक वो नई इनोवेशन कर सकता है, तो सेफ्टी का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चे को कॉन्फिडेंस लाना, कॉन्फिडेंस में लाना और बच्चे का कॉन्फिडेंस लाना, दोनों जरूरी है। तो उसको विचार की स्वतंत्रता और उस विचार को एग्जीक्यूट करने की भी स्वतंत्रता देनी। और सर ये युवाओं को भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब बचपन से लेके बड़ों को सभी को करना चाहिए प्रैक्टिस? तो 100%, चाहे कोई बुजुर्ग भी है, कोई भी है, राइट, किसी भी एज का है। लेकिन हम ज़्यादातर बच्चों की बात इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे ही यूथ का और ओल्ड पीपल्स की फाउंडेशन है, जो बच्चे ही बड़े होंगे वही बूढ़े होंगे। तो यदि हम छोटे बच्चों को सही रास्ते पर लाएं, उनको ये सब चीज़ें समझा दें, तो ऊपर वाली चीज़ें भी सही सही हो जाएंगी। करेक्ट करेक्ट। अदरवाइज वो मतलब क्योंकि हम कहने को तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम वही अभी भी जकड़े हुए हैं पुराने चीज़ों से। राइट सर, राइट, तो उसको तोड़ने की आवश्यकता है। तोड़ने की, और चेंज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है बदलना, तो हमें बदलाव लाना चाहिए परमार्थ के लिए, अच्छी सहूलियत के लिए, कि सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, निर्भय रहें, आपस में प्रीति से रहें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट, वंडरफुल।